माँ दुनिया की सबसे छोटी शब्दों में से एक छोटा सा शब्द, मगर गहराई इतनी कि सबसे गहरी प्रशांत महासागर की अधिकतम गहराई 35,797 फीट भी शर्मा जाए। परंतु माँ की गहराई को मापना इंसानों की छोड़िए भगवान में भी हिम्मत नहीं हो पाई। दुनिया के जितने भी कठिन से कठिन शब्द हैं सब माँ में समाहित हैं। सारे कठिन शब्दों का जन्म माँ से ही हुआ है, जैसे त्याग, समर्पण, बलिदान, तपस्या एटसेट्रा एटसेट्रा। तभी तो माँ का दर्जा सबसे ऊपर है, क्योंकि यह तो विधि का विधान है। जो जितना कठिन कार्य करेगा उसका दर्जा उतना अव्वल होगा, और माँ से कठिन कार्य कोई और कौन कर सकता है। माँ तो इतनी बड़ी दानवीर है कि अपने हिस्से की सांस तक अपने बच्चों में बांट देती है। माँ के द्वारा ली गई सांस से ही गर्भ में पल रहे बच्चे का दिल पहली बार धड़कता है। माँ तो ऐसी शख्स है ना साहब, जो उसके बच्चे को बाहरी दुनिया में सांस लेने में कोई कठिनाई ना हो, अतः उसे दुनिया में आने से पहले अपनी सांसें उसके शरीर तक पहुंचाकर अपने बच्चों को सांस लेना सिखा देती है। वहीं आज की चकाचौंध वाली दुनिया में जब बच्चे कॉलेज में पढ़ने लग जाते हैं तो उन्हें आमतौर पर कहते सुना जा सकता है कि यार मेरी माँ समझती नहीं है, पुराने ख्यालात की है, जीने का सही तरीका मेरी माँ को नहीं आता। मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि जिस उम्र में आजकल की लड़कियाँ पापा की परी बनकर इंस्टा, एफबी और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांचा बादाम की रील्स बनाकर डालती हैं ना, जिसमें वो अपने मेकअप और फिगर का खासा ख्याल रखती हैं, वहीं तुम्हारे पुराने ख्यालात वाली माँ इससे भी कम उम्र में अपने चेहरे की ग्लो, फिगर, स्ट्रेचेस के साथ खुशी खुशी समझौता कर तुम्हें अपने शरीर का अभिन्न हिस्सा बनाकर तुम्हें इस दुनिया में ले आई थी, और तुम्हारे आने की खुशी में सारा दर्द और रातों की नींद भी भुला दी थी। समझदारी की बात करते हो, तेरे रोने से पहले तेरे भूख का उसे पता लग जाता था, जो आज 25 साल बाद भी तुम्हें तुमसे बेहतर समझती है। तेरे लिए कई महीनों तक नींद से भी समझौता कर ली थी उसने। पता है दोस्त, एक लड़की को सबसे ज्यादा अपने चेहरे और अपने शरीर का ख्याल रहता है, और वही लड़की सिर्फ तेरे लिए अपने सबसे ज्यादा पसंदीदा शरीर से समझौता कर लेती है। इसलिए कभी माँ की समझदारी और वफादारी पर सवाल मत खड़े करना। बेशक माँ के लिए एक दिन पश्चिमी सभ्यता के अनुरूप मदर्स डे के रूप में समर्पित कर देना बहुत अच्छी बात है, परंतु माँ के लिए पूरे वर्ष में सिर्फ एक दिन काफी है क्या? नहीं, अपनी पूरी जिंदगी का हर पल भी माँ के नाम कर दो ना, तो उसके सम्मान में कम पड़ जाएगा। अतः सिर्फ एक दिन नहीं, अपने वक्त में से ज्यादा समय माँ को देने की कोशिश करें, जितना हो सके सम्मान करें। बेशक आपकी व्हाट्सएप स्टेटस में माँ की पिक के साथ आई लव यू माँ लिखा ना हो, पर आपके दिल से हर वक्त आई लव यू माँ निकलता रहे। आपको अपनी माँ को ये बातें कभी जताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद समझ जाएगी। दोस्त, माँ पर लिखने जाऊं तो दुनिया की सारी कागज भी कम पड़ जाएगी, ये दिल की बात है, सब दिल से समझ आएगी। सभी बच्चों की जिंदगी में हर दिन मदर्स डे हो मेरी शुभकामनाएं हैं, और सभी माताओं को मेरा नमन है। धन्यवाद।